सबसे अहम बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल SEO की तरह ही काम है कि कितना फ्रेश कंटेंट है और कितना यूनिक कंटेंट है। और अगर कोई डुप्लीकेट कंटेंट हो जो कि सोशल मीडिया का डुप्लीकेट कंटेंट हो तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और प्लेटफॉर्म का डुप्लीकेट कंटेंट हो और सोशल मीडिया पर अभी तक वो ना आया हो तो वो वाला कंटेंट भी सोशल मीडिया के लिए नया कंटेंट है। यानी कोई भी ऐसा कंटेंट जो सोशल मीडिया पर अभी तक अपलोड नहीं हो, आप पहली दफ़ा वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, इस तरह का कंटेंट लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि फेसबुक रिकमेंडेशन में लेकर जाएगा। यानी उन लोगों को दिखाएगा कि उस तरह की वीडियोज कौन कौन से लोग देखना चाहते हैं, डायरेक्ट कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, ऑर्गेनिक में क्या होगा, 100 लोग देख रहे होंगे, डिपेंड ऑन योर इंगेजमेंट कि आपके पेज के ऊपर कितनी इंगेजमेंट है। तो जितनी इंगेजमेंट होगी, मिसाल के तौर पर अगर किसी के 200 लाइक्स हैं तो उसकी इंगेजमेंट आमतौर पर 40 लोग देख लेते हैं या 50 लोग देख लेते हैं, इससे बढ़ेगी नहीं। फिर वो कहेगा कि चलेंगे मैं इस तरह करता हूँ कि बूस्ट कर लेता हूँ, फिर वो जितने पैसे लगाएगा उतने लोगों तक उसकी रीच पहुँचना शुरू होगा। लेकिन ये साइंस ज़्यादा देर तो नहीं हम अफोर्ड कर सकते, इसलिए हमें एक ऐसा काम करना है कि हमारा कंटेंट फेसबुक को पसंद है। तो आपका कंटेंट फेसबुक को अगर पसंद आता है तो फेसबुक उसको रिकमेंडेशन में ले जाएगा। ठीक है, इसकी मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। जी ये एक वीडियो मैंने आपके सामने खोली हुई है, ये एक टिकटॉक की वीडियो है। ये वाली वीडियो एक टिकटॉक वीडियो है और जो इनकी ऑनरशिप ही नहीं है जिस पेज पे लगी हुई है। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं थी, यानी टिकटॉक पे तो ये पड़ी हुई थी, उधर शायद ये बहुत सारे व्यूज भी ले रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो अभी तक नहीं थी लगी हुई। ये भी अब लग गई हो कई जगहों पर, लेकिन जब हमने लगाई थी ना तो उस वक्त नहीं थी लगी। तो इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर 5.2 मिलियन व्यूज मिल गए। उसके बाद मैं आपको वीडियो का एनालिसिस दिखा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के एनालिसिस को भी देख, आपने अपनी पोस्ट, अपनी जो जो फोटोज लगाते हैं उन सबके एनालिसिस भी देखने हैं, कैसे जा रहे हैं लोगों तक, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और 3 सेकेंड वीडियो व्यूज कितने हैं इसके, 8.5 मिलियन व्यूज, यानी कि 3 सेकेंड। और एक और भी चीज़ रखेंगे, ये जो 3 से लेकर 10 सेकंड है, अगर आप अपना मैसेज 3 से लेकर 10 सेकंड तक दे देते हैं, वीडियो बेशक आप 1 मिनट की बनाएं, और आजकल जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनको फेसबुक भी बहुत प्रमोट करता है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करता है, जैसे टिकटॉक शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करता है, इसी तरह यूट्यूब भी अपने पास लगने वाली शॉर्ट वीडियो, खासतौर पर टिकटॉक फॉर्मेट में जो वीडियोज़ लगी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपका कंटेंट हो। अब अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जी फॉलोअर्स 5,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो इनके फॉलोअर्स ने कितनी ये वीडियो देखी है, 9.93%, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखें जरा रिकमेंडेशंस कितने लोगों ने देखी हैं, ये वीडियो नहीं होगा, इससे ज़्यादा जूम करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। तो ये आपको वीडियो बताने का मकसद क्या था कि आपको पता लगे कि फेसबुक पर आप कैसी चीज़ें लेकर जाएंगे। यानी एक चीज़ तो आपको ये भी अब पता लग गया कि आपका पेज जो रेलिवेंसी बनती है आपके पेज की, उस रेलिवेंट अगर आपके पास कोई ऐसा टिकटॉक हो जो कि ना आया हो। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखनी है आपको कि ये है डुप्लीकेट कॉन्टेंट की कैटेगरी, यानी कि डुप्लीकेट तो नहीं है लेकिन ये ऑनरशिप नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे का भी टिकटॉक है उसने अपने पेज पर नहीं लगाया हो, उसने अपने सिर्फ टिकटॉक पे लगाया हुआ है, ठीक है, मे भी वो टिकटॉक पर हो, फेसबुक यूज ही ना करता हो, तो हमने इसको वहाँ से पिक करके ना लगा दिया। तो ऐसी चीज़ों को लगाते हुए एक तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आएगा,
अगर उसने लगाया होगा, ठीक है, हमें तो नहीं पता ना उसने लगाया है कि नहीं लगाया, या किसी और ने लगाया हो सकता है, तो इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आया। लेकिन आपको पता है फेसबुक पेज भी आपका मोनेटाइज होता है, लेकिन फेसबुक पेज के ऊपर मोनेटाइजेशन के लिए आपके पास आपके कॉन्टेंट की ऑनरशिप भी होनी जरूरी है, और फेसबुक पेज के ऊपर भी आगे अपना कॉन्टेंट ऐड करते हो तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। मतलब ये अगर ऑनर ये वाला वीडियो क्लिप अपने चैनल पे लगाता और लगाने के साथ उसको मार्क कर देता कि भाई इसके ऊपर ऑनरशिप क्लिप ऑनरशिप आना चाहिए मेरा, यानी कॉपीराइट आ जाना चाहिए, कि जैसे कोई बंदा इसको अपने चैनल पे लगाएगा, जैसे यूट्यूब में एक ऑप्शन है ना, आपको चेकबॉक्स ऑफ कर देते हो हमेशा, तो इधर भी हमें एक ऑप्शन ऑन कर देते हैं कि कोई भी बंदा उस चैनल से कुछ दिखाएगा, उसके यूट्यूब फेसबुक से कोई चीज लेगा, तो जो भी लगाएगा उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाएगा, और जब कॉपीराइट स्ट्राइक उसको आएगा तो फिर वो ये कहेगा कि जनाब ये कॉपीराइट मेरा कॉन्टेंट है, तो उसका जो बेनिफिट है वो उसको शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये किसी ने नहीं लगाया हुआ था। तो इन चीज़ों को आपने खुद से देखना है, ये हमने देखा था कि भाई किस तरीके से हम पेज को इंगेज रख सकते हैं, पेज को इंगेज रखने के लिए हमने चीज़ों को ढूंढना होता है। तो मुख्य किस्म के ऐसे बहुत सारे क्लिप्स होंगे इस चैनल के ऊपर जो हम लोगों ने खुद से नहीं लगाया, लेकिन ये चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है। लेकिन इसके ऊपर एक जो सबसे बड़ा बग आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसमें 100% कंटेंट इनका अपना, बहुत सारा कंटेंट इनका अपना है, लेकिन 100% कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट है। तो अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट लगाएंगे तो मोनेटाइजेशन इश्यूज आपको हो सकते हैं, यानी आपका कंटेंट अपना होना चाहिए, 100% आपका अपना कंटेंट, ठीक है, तो बाद में देखते हैं, ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस उसमें। हेडर्स एंड बैनर्स, फेसबुक पे हम आगे, तो आपने सबसे पहले फेसबुक के ऊपर किन चीज़ों को देखना है, सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है आपने, सबसे पहले आपने देखना है फेसबुक कवर फोटो, दोनों तरफ होता है ना आपके पास, अकाउंट पे भी कवर फोटो लगा होता है और पेज पे भी कवर फोटो लगा होता है, और मेरा ख्याल है कि अकाउंट और पेज का कॉन्सेप्ट तो सब लोगों को पता होगा कि अकाउंट क्या होता है और पेज क्या होता है, पता है ना सबको, अकाउंट को भी लाइक कर सकते हैं, पेज को भी लाइक कर सकते हैं, अकाउंट को तो लाइक नहीं ना कर सकते, ठीक है ना, अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फ्रेंड बना सकते हैं, ठीक है, और फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन पेज को आप लाइक कर सकते हैं, और फ्रेंड्स की जो ऑप्शन होती है ऑलमोस्ट 5000 फ्रेंड्स की होती है, लेकिन 5000 से जो ऊपर वाले फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपकी फ्रेंड्स बन जाते हैं फॉलोअर्स की सूरत में, ठीक है, मतलब वो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाते हैं फॉलोअर्स की सूरत में। आपका जो पेज होता है, पेज बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, पेज बनाने के लिए, फेसबुक पेज बनाने के लिए हमें अपने फेसबुक अकाउंट की जरूरत है, यानी हमारे पास अगर फेसबुक अकाउंट होगा तो उसके ऊपर फेसबुक पेज बनेगा। मतलब मैं अगर आप सबसे कहूँगे भाई आप सबका डिजिटल मार्केटिंग का या अपने अपने बिजनेस कंसर्न का पेज होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सब लोग अपने अपने अकाउंट बनाएंगे पहले जिनके नहीं बने हुए, ठीक है ना, अपना फेसबुक अकाउंट बनाओगे और फेसबुक अकाउंट के साथ फिर आप अपने पेज को क्रिएट करोगे और उसको लिंक कर दोगे और आप उसके एडमिन बन जाओगे। उसके बाद अगर आप अपना पेज मैनेज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, डिजिटली अपने पेज को ग्रो करने के लिए किसी भी सर्विसेज लेते हो, तो आप अपना पेज उसको परमिशंस में जाकर शेयर करोगे, यानी उसको हम बोलते हैं पेज रोल, यानी हम पेज रोल देंगे। ये पेज रोल कहाँ पर है, आप सबने पेजेस बनाने हैं, वो उसमें जाकर पेज बनाने के बाद मुझे बताना है कि पेज रोल कहाँ पर है, खुद देखना है कि पेज रोल कहाँ पर है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ओके, अब बड़े हो गए आप लोग, काफी सारी चीजें आपको खुद से देखनी है कि कौन कौन सी चीज किस जगह पर एग्जिस्ट करती है, यानी ये बात तो साबित हो गई कि हमें क्या करना है, पेज अकाउंट के साथ बनाना है, और जो आपका एड अकाउंट होता है वो पेज के साथ फिक्स होता है, चलता है पेज के साथ, लेकिन बेस किसके ऊपर होता है, आपके अकाउंट के, यानी कि पेज तो पैसे पे नहीं ना कर सकता, पेमेंट्स करने के लिए अगर आप कोई ऐड चलाते हो तो पेमेंट करने के लिए तो कोई फिजिकल एंटिटी होनी चाहिए, तो वो फिजिकल एंटिटी क्या है, आपका अकाउंट है, और वो फिजिकल एंटिटी कैसे है कि आपने अपना अकाउंट जब बनाया हुआ है आपको अपना अकाउंट अपने नेम से बनाना है, इवन आप अगर
डिजिटल मार्केटिंग का पे नाम रख के कोई अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसमें एरर मैसेज भी आएगा, वो कहेगा भाई ये ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पर आप अपना नाम लिखें। तो आपने अपना अकाउंट अपने नाम से बनाने और उसके अंदर सब नेचुरल चीज़ें और ऑर्गेनिक चीज़ें और फेक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें फेक नंबर नहीं होना चाहिए, फेक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और बनाने के बाद आप उसको अप्रूव भी करवाएं अपनी कोई आइडेंटिटी दिखाकर। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप अपने अकाउंट को अप्रूव कराएंगे, जब आपका अप्रूव्ड अकाउंट होगा और आपकी फ्रेंड लिस्ट भी होगी फिर हम एक ऐड अकाउंट भी इसके साथ जोड़ेंगे। आपका जो ऐड अकाउंट है, आपका जो ऐड अकाउंट है वो बनेगा किस बेस के ऊपर, आपके फेसबुक अकाउंट के ऊपर, लेकिन आपकी जो पेमेंट्स हो रही होंगी वो किसके लिए हो रही होंगी, पेज के लिए हो रही होंगी। अगर आपका पेज ब्लॉक होगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, मतलब जरूरी है कि अकाउंट भी ब्लॉक हो। इसलिए अगर आपके पास एक पेज है तो आपने उस पेज को शेयर करवा लेना है अपने मल्टीपल अकाउंट्स में, क्योंकि अगर आपका एड अकाउंट फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया और उस पेज आपका सिर्फ उसी के साथ एसोसिएटेड है और किसी के साथ है ही नहीं है, किसी को आपने रोल नहीं दिया हुआ किसी दूसरे अकाउंट को, तो उसके साथ ही पेज भी आपका चला जाएगा। सो अगर आपका मिसाल के तौर पर आप बिजनेस करते हैं और आपने अपने बिजनेस की ब्रांड का एक पेज बनाया हुआ है और अपनी तरफ से आपने बड़ी होशियारी भी दिखाई है कि भाई किसी को नहीं देना चाहिए, हाँ मेरे अकाउंट में होना चाहिए, तो अगर आपका अकाउंट गया तो पेज भी गया। सो इसलिए पैरेलल मल्टीपल अकाउंट्स बनाए और उसके अंदर पेज को राइट से, बेशक उसमें आप काम भी ना कर रहे हैं लेकिन बैकअप के तौर पर कि अगर आपके असल वाले अकाउंट को कुछ हो तो आपके पास आपका पेज बनना हो। मिसाल के तौर पर आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से फेसबुक के ऊपर, फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भैया आपने 30 दिनों के लिए अपना एड अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं यूज नहीं कर सकते। तो जब आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक, तो जब आप फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया तो पेज कैसे खुलेगा, पेज का कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होता, पेज का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होता। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो क्लाइंट के साथ रोज फेस करता हूँ, ठीक है ना। आपके पेज का कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होता, आपके फेसबुक अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड है और उसके अंदर पेजेस आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपको मैंने ठीक बातें बताई हैं जो पहले आपको पता होनी चाहिए। सबने अपना अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है और सही जेन्युइन बनाना है। जिनका फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है कोई जरूरत नहीं है बनाने की, उसकी सिर्फ सेटिंग्स को देखें कि क्या उसकी सेटिंग प्राइवेसी सिक्योरिटी सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है। जिनके बने हुए अकाउंट है कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी ने नया फेसबुक अकाउंट बनाना है, कोई जरूरी नहीं है। जिन लोगों के फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेजी सबने बनाने हैं, पेजी सब लोगों ने बनानी है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का बना लो तो चाहे अपने बिजनेस का बना लो। और जिनके बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं वो चाहें तो उसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। वो जो भी करना चाह रहे हैं उनके पास चॉइस है, जो भी करना चाहते हैं वो अपना बोला काम करें। सबसे पहले क्या करना है आपने, फेसबुक कवर फोटो, सबसे पहले तो आपने ये साइज एंड में रखने हैं अपने, ये जो साइज लिखा हुआ है कि जब भी मिसाल के तौर पर मैं किसी को टास्क दूं कि भाई अपना कवर फोटो बना लो, तो सबसे पहले आपने ये साइज लेकर कवर फोटो बनाना है। इसलिए कि आपका कवर फोटो आपके मोबाइल पे भी खुलने और आपका कवर फोटो आपके डेस्कटॉप पे भी खुलने, तो आपने ये देखना है। और इसके करने के बाद अगर आपको लगे कि मोबाइल पर पूरा कवर फोटो नजर नहीं आता, इसको छोटा बड़ा करना पड़ता है आपको, तो आपने फिर उसको मैनुअली मैनेज करके आपने कोई भी चीज़ बनानी है डेस्कटॉप पर उसने नजर आ ही जाना है आपको। आपने सबसे पहले अपने बनाए हुई चीज़ को मोबाइल पर चेक करना है कि मोबाइल पर उसकी विजिबिलिटी कैसी हो रही है, ठीक है। कोई भी ग्राफिक्स जब आप बनाएं किसी चीज़ के साथ उसको अटैच करें तो सबसे पहला व्यू आप लोगों ने अपने मोबाइल का देखना है कि मोबाइल पर वो हमें कैसे नजर आ रही है। तो पहली चीज़ तो हो गई कवर फोटो, उसके बाद क्या आ रहा है जी, फेसबुक इवेंट कवर। फेसबुक इवेंट कवर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग का सेमिनार करवाना चाह रहे हैं
तो हम एक इवेंट फेसबुक पे लॉन्च करते हैं और अपने पेज के ऊपर उस इवेंट को लगा देते हैं, तो उस इवेंट का भी एक कवर फोटो होगा, सही है ना। तो फेसबुक का जो इवेंट का कवर फोटो होगा उसका भी साइज इसमें लिखा हुआ है। ये फाइल मैंने शेयर भी की हुई है ग्रुप में, सबको कल ही कर दी थी मैंने शेयर कि सब लोग इस फाइल को देख ले। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या चीज आ गई है, ग्रुप्स। ये बहुत अहम चीज है फेसबुक में, ग्रुप्स बनाना, कि ग्रुप्स बनाकर चलें। और आपके पास अगर बहुत अच्छी फ्रेंड लिस्ट है और अगर आपके पेज के ऊपर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है तो आप उसका फायदा हासिल कर सकते हैं ग्रुप्स बनाकर। क्या आप उसमें मजीद कम्युनिटी को ऐड कर सकते हैं? भाई 5,000 से ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे ना आपके फेसबुक का अकाउंट में, ग्रुप्स में तो आ जाएंगे। और ग्रुप से आप अर्निंग भी करते हो और आपका ग्रुप इस लेवल पर भी जा सकता है कि आप उस ग्रुप को सब्सक्राइब करवाएं, पेड सब्सक्रिप्शन। पेड सब्सक्रिप्शन में भी आप अपने ग्रुप को लेकर जा सकते हैं। यानी आपने अपना ग्रुप इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि लोग चाहते हैं कि उस ग्रुप यानी उस कम्युनिटी में आए और कुछ लर्न करें या कोई चीज देखें, ठीक है। सो आप पेड ग्रुप्स की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि ग्रुप बनते ही पेड हो जाएगा। उसकी क्या लिमिटेशन है वो भी बताऊंगा कि पेड ग्रुप तक लेकर जाने के लिए अपने ग्रुप को कहां लेकर जाने हमने, उसके बाद उसमें पेड सब्सक्रिप्शन का मैसेज आएगा और वो पैसे जाएंगे फेसबुक को और फेसबुक से आएंगे आपको। और आई थिंक के कुछ अर्सा पहले तक फेसबुक उसमें से कुछ भी चार्ज नहीं करता, यानी 100% आपको ही देता है। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है कि वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, वो बाद में, अभी ग्रुप में जब जाएंगे ग्रुप की कैटेगरी में इसको अलहदा से देखेंगे, ठीक है। लें जी आ रहे हैं आगे। जी ये लिखा हुआ आगे ऊपर वाली चीज लिखी हुई है जो मैंने पहले ऊपर लिखी हुई थी, ये आप सबको पता ही है कहां से फ्री फोटोज मिलती है ना, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। चलें जी इधर आ जाए। हैशटैग्स, अपनी पोस्ट में आपने हैशटैग्स लगाने हैं और आपने मुझे बताना है कि आपकी जो पोस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन में कितना टेक्स्ट होना चाहिए, इमेजेस कितने होने चाहिए, इमेजेस की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट कितना होना चाहिए। इसको आपने वर्क खुद से ढूंढ के मुझे बताना है कि आप अपनी पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसका कॉन्टेंट कितना बड़ा होना चाहिए। तो स्टार्स अकेडमी का कॉन्टेंट देखिएगा, तो जिसके जेहन में अगर ये होगा थोड़ा कॉन्टेंट लिखना चाहिए तो वह देखिएगा उसमें कितना ज्यादा ज्यादा कॉन्टेंट लिखा होता है। फिर लिंक्स की रेशो कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं टास्क दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिफरेंट सिनेरियो में मुख्तलिफ जगहों पे देख कर आए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इनको गूगल करके और लेटेस्ट प्रीवियस मंथ के हिसाब से चीजें देखी हैं कि भाई लेटेस्ट डाटा क्या कह रहा है, लेटेस्ट जो सिनेरियो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, ठीक है। हैशटैग्स कितने होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी हैशटैग्स 3-4 होने चाहिए, लेकिन नहीं ज्यादा लगाए जा सकते हैं, ठीक है। लिमिट कोई नहीं, अगर लिमिट में जाएंगे जो रिकमेंडेशन में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई 3-4 लगा लो, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट अच्छी दे रहे होते हैं वो 3-4 से काफी ज्यादा अच्छी दे रहे होते हैं। इसी तरह जो लिंक्स है, अब हैशटैग की बात हो गई, हैशटैग लगाएंगे, ये हैशटैग्स आपकी SEO कर रहे हैं, जेहन में रखते हैं आपने, आपके पेज की SEO जो है ना वो हैशटैग्स की वजह से हो रही है और इसमें रेलिवेंसी का फैक्टर बहुत अहम है कि रेलिवेंसी बहुत ज्यादा हैशटैग में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिंक्स की बात करते हैं। फेसबुक के ऊपर हम कोई भी लिंक दे सकते हैं, लेकिन फेसबुक रिकमेंड यही करता है, यानी अगर इसमें कोई वीडियो या कोई पोस्ट आपकी रिकमेंडेशन में लेकर जानी है तो उसमें अगर आपने कोई एक्सटर्नल लिंक लगाया होगा, खास तौर पर फेसबुक का कंपीटेटर प्लेटफॉर्म कोई हो, मसलन फेसबुक पे भी वीडियो लग जाती है, यूट्यूब पे भी वीडियो लग जाती है, तो हम कह सकते हैं कंपीटेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक के ऊपर, ये एक रियल प्रैक्टिस बता रहा हूं कि फेसबुक के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, रिकमेंडेशन उसकी वो वाली वीडियो जितनी अच्छी मर्जी होगी वो फेसबुक रिकमेंडेशन में नहीं लेकर जाएगा। यानी आपको पहला क्राइटेरिया ये देखना है कि भाई जिन वीडियोस को या जिन पोस्ट को मैं रिकमेंडेशन में लेकर जा रहा हूं
वहां पर एक्सटर्नल लिंक्स कम लगाएं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि भाई आप फेसबुक से अपने चैनल को बूस्ट करने लगे हुए हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन इस तरह करने से आपको कोई बहुत फायदा नहीं होता, ये भी रियल प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ। इस तरह करने से हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता, ये हो सकता है कि आपके फेसबुक पर जो इंगेजमेंट वाले लोग हैं उन तक बात चली जाती है, नए लोगों तक फेसबुक उनको ज्यादा थ्रो नहीं करता ऐसी पोस्ट को जिसमें एक्सटर्नल लिंक्स लगे हों, स्पेशली यूट्यूब के लिंक्स लगे। सो अगर आप कोई चाह रहे हो कि यार ये मेरी ये पोस्ट यूनिक है तो ये फेसबुक आगे लेकर जाए, तो उसमें यूट्यूब का लिंक यूज ना करें आप, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग बेहोश होने वाले हो गए, रोक दूं क्लास, जारी रखो, बोलो यार कोई स्टूडेंट एक्ट बोलो। अगर तो ठीक है, बर्दाश्त में है तो चला करो, ठीक है। जी आगे आ जाएं। फेसबुक एड, इसका एक साइज तो मैंने दिया हुआ है। अब ये जो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्यूरीज मैंने आप लोगों से लेनी है अगली क्लास में। मैंने आपसे कहा डिस्क्रिप्शन आपने मुझे बताना है, लिंक्स के मुतालिक बात की आपसे, अब मैं बता रहा हूँ फेसबुक एड का साइज क्या होगा, ठीक है। 1200x628, इमेज रेशो 9:16:16:9। आगे पढ़ें, बहुत अहम बात क्या लिखी हुई है, नो लिंक इन्वॉल्व्ड। कहता है अगर आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो ये रेशियो बेहतर है। अब ये जो रेशियो है ये इसका क्या स्टोरी है, ये भी कुछ कंफ्यूज करती है। इमेज का साइज तो ठीक है, इमेज की रेशियो कंफ्यूज करती है, क्या ख्याल है, करती है कि नहीं करती है? नहीं करती तो छोड़ देते हैं हम, करती है कि रेशियो क्या चीज होती है, चलो इसको अभी हम देखते हैं। ये आपको बता देता हूं आपने फाइंड कैसे करनी है रेशियो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इफ देयर इज अ लिंक इमेज इज नॉट मोर देन 20% टेक्स्ट। देखिए अगर आपने लिंक दिया हुआ है तो फिर ये 20% टेक्स्ट होना चाहिए। इसको भी आप लोगों ने देख रहे हैं, इसका आपको अलग साइज मिलेंगे। वैसे तो अगर जब आप एड लगाओगे ना और लिंक वाला एड लगाओगे तो वो खुद ही बता देगा आपको कि भाई ये आपका लिंक वाला एड है, इसका साइज ठीक नहीं है स्पॉन्सर्ड एड के लिए, तो इसका साइज चेंज करें। उसी के अंदर क्रॉप की ऑप्शन, सारी ऑप्शन आ रही होंगी आपको, वहीं पे क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है, वहां पे क्रॉप करेंगे तो आपका तो कंटेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको वापस जो भी डिजाइनिंग टूल यूज करेंगे उसमें जाके क्रॉपिंग करेंगे। जी ये एक मैंने लिंक आपको भेजा है, इमेज रेशो कैलकुलेटर, ये मैंने कल भेजा था, किसने से क्लिक करके देखा था, अच्छा ओपन मेरी की। इमेज रेशो कैलकुलेटर ये लिंक पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। और जो रेशो आपने लिखी नहीं है उस रेशो को वहां पर जाकर ऑनलाइन टाइप करें तो वो आपको ग्राफिक्स बता देगा कि भाई इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी आपको पता लगेगा। हमें रेशो चाहिए ना, हमने रेशो बताई, उसने हमें उसका साइज बता दिया। तो इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ये ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे भी ये सारी चीजें आ रही हैं कि साइज कितना होना चाहिए, और ये नीचे वीडियो का साइज आ गया, ऊपर हमने पोस्ट का साइज किया था, फोटो का साइज किया था, ठीक है, नीचे वीडियो का साइज आ गया 1080x1080। इस साइज में आपने इसको करना है, इसकी रेशो भी लिखी हुई आ रही है, और ये मैंने आपको लिंक भी एक दे दिया है, इस लिंक से जाकर ये करना है। और सब लोगों ने जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अपना काम करना है, अपना डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाना है, जो कुछ भी करवाना है, मतलब आज मई है 17th, तो यानी अगर हम फेसबुक पेज को डिस्कस कर रहे हो 17 जून को, तो 30 दिन हमारे पास हो रहे हैं, तो कम से कम अगर हमारे पास 60 पोस्ट ना लगी हो तो 30+ तो जरूर लगी होनी चाहिए आपके पेजेस के। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का पेज ग्रो करे तो आपको पोस्ट लगानी है, उसमें आप वीडियोस भी लगा सकते हैं,
अपनी वीडियोस भी चला सकते हैं। फिर मैं आपको बता दिया कि आपकी रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड टिकटॉक सिखाने हैं, वो भी लगा सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपना कंटेंट यूज करो, और दूसरी बात यह है कि अपना टिकटॉक अकाउंट भी बना लें। अगर आप सोशल मीडिया का बना रहे हैं तो टिकटॉक बनाने का मतलब ये नहीं कि मस्ती करनी है सिर्फ, ठीक है। टिकटॉक शेयर करने वाले लोग भी बनाते हैं, जिनको अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी है वो लोग भी टिकटॉक अकाउंट बना के रखते हैं, ठीक है। सो टिकटॉक अकाउंट जो है ना, 2021 के बाद से एक कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। नो डाउट यहां ना कर रहा हो, लेकिन एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, और जो अच्छे टिकटॉकर्स होते हैं उनसे बाद में आपको पता नहीं, ब्रांड अवेयरनेस भी काम करवाते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी अपनी कोई ब्रांड है किसी भी चीज से मुतल्लिक, तो आप अपना टिकटॉक बनाओ। जैसे आप कुछ बेचते हो, मेरा ख्याल है क्या है आपका, ज्वेल्स, आपकी गारमेंट्स है, और भी कुछ है कोई चाइना से जो सामान मंगवाते हैं, फोन है, आप क्या मंगवाते हो, कितनी सारी चीजें हैं, आप भी छोटे छोटे टिकटॉक, क्योंकि आपको बहुत छोटा मैसेज देना है सेल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट, टिकटॉक्स बना सकते हैं। और टिकटॉक का ये फायदा है कि सारी की सारी एडजस्टमेंट हो जाती है उधर, यानी वीडियो डायमेंशन में आपको कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है। वीडियो 100% वही बनती है जो शॉर्ट वीडियो के लिए चाहिए। वही टिकटॉक की वीडियो आप अपने यूट्यूब पे भी लगा सकते हो, वही टिकटॉक की वीडियो आप अपने फेसबुक पेज पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर आपने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे, आप उससे बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लेकर बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है, चाहे पेज है, चाहे चैनल है, और चाहे टिकटॉक है, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो इन तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी प्लेटफॉर्म को आप फायदा नहीं उठा सकते। ये नहीं है कि 30 दिनों में 6 दिनों में आपने बहुत जबरदस्त यूज किया और बाकी के दिनों में फिर आप लूज हो गए और फिर एकदम आप ताजा दम हुए, फिर टिकटॉक लगाने शुरू कर दिए या यूट्यूब पर चले गए या सोशल मीडिया, नहीं, आपने रूटीन में काम करना है कि आपका पेज कि जिस तरह का मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वो रोजाना की बुनियादों पर एक्टिवेटेड हो, ठीक हो गया। तो इस चीजों इन चीजों को आपने देखना है, और कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी वो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा जो मैंने पूछे क्वेश्चन फेसबुक से मतलब, और कल मुझे सबने कुछ ना कुछ दिखाना है और कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दे रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने फेसबुक पेजेस पर बनाए और देखें कि क्या ऐसा यूनिक कंटेंट है जो आप दे सकते हैं जो कोई और नहीं दे रहा। एज ए डिजिटल मार्केटर देखें, डिजिटल मार्केटर लोगों के प्रोफाइल देखें, पहले जाकर डिजिटल मार्केटिंग के पेजेस को देखो कि जो डिजिटल मार्केटिंग के पेजेस बने हुए हैं वो क्या दिखा रहे हैं अपने पेजेस पर, और उनकी कैसी फॉलोअरशिप है, कौन से लोग हैं जो 10,000 प्लस पर हैं लाइक्स में, हमें नहीं पता कि कैसी ली है उन्होंने, तो उनकी इंगेजमेंट भी देखो, ठीक है। चलिए बस मेरा खाली से वाइंड अप कर लेते हैं लेक्चर।